गल करांगे गुरलाल पलवान दी जिसका कतल किया गया सी गोलियां मार के दिन दिहाड़े बेरहमी दे नाल। और फिलहाल उस मामले नूं लैके वड्डी खबर आ रही है, हालांकि पुलिस दे वल्लों गिरफ्तारियां भी कीतियां गईयां ने ते इस मामले दे विच पुछगिछ भी लगातार जारी, रिमांड भी लिया गया मुलजमां दा। पर फिलहाल मृतक दे पिता ने पुलिस दी कारगुजारी ते सवाल चुके ने। वड्डी खबर, गुरलाल पलवान दे पिता ने कारगुजारी ते सवाल चुके ने, कतल नूं वड्डी साजिश करार दित्ता है और कहा कि किसी नामी शख्स का इस विच हाथ है। पंजाब के सीएम ते डीजीपी नूं चिट्ठी लिख के इंसाफ की मांग की है। वड्डी खबर इस मामले च गुरलाल पलवान के कतल मामले च वड्डी खबर है। दस दिए कि पिता ने पुलिस की कारगुजारी से सवाल चुके हुए, कहा कि जेकर अजिहा नहीं होया तो अपनी जान दे देंगे, इथों तक कह दिता गुरलाल पलवान के पिता ने। इस वेले की वड्डी खबर सामने आ रही है। सो गुरलाल पलवान जिसके पिता सुखचैन सिंह दे वल्लों बकायदा ए कहा गया और फोन लाइन ते ने जगतार दोसांझ साडे नाल। जगतार, की कुछ जानकारी है और अगर इना इस चिट्ठी की गल की जाए या मंगा की गल करिए तो की कुछ कीतियां गईयां ने? गुरलाल की हत्या कर दी गई थी, उस तो बाद दिल्ली पुलिस वालों भी तीन आरोपी फड़े गए हैं। उस तो बाद निशानदेही ने कुछ पंजाब पुलिस ने भी जो नौजवान फड़े गए थे। उस तो बाद लगातार ही पुलिस वालों का कार्रवाई करने के दावे किए जाते हैं, पर परिवार वालों अज जो है मीडिया सामने अपने दुख दसिया, क्योंकि उन्होंने कहना है कि पुलिस वालों हजे तक कोई पुख्ता कह सकते हैं भी आप जो दोष लाए ने कि कोई इन्होंने इल्जाम जिन्होंने मेन घाटा धरता नहीं उन्होंने हजे तक सामने नहीं लिया है। तो जेकर पुलिस भी कार्रवाई नहीं करती जल्द जल्द तो उन्होंने पल्ले भी सिर्फ यही है भी वो भी फिलहाल पुलिस जाके सामने सुसाइड करेंगे। उस तो बाद कह सकते हैं कि हुण चिट्ठी लिखी गई है, हालांकि कार्रवाई भी जी है वो की गई है, कुछ मुलजम भी गिरफ्तार हुए ने। उस तो बाद की कुछ किया जा रहा है, मांग की है असल क्योंकि कुछ मुलजम तो गिरफ्तार किए ने, हालांकि वो शार्प शूटर जोड़े ने अजे गिरफ्तार तो बाहर ने। उन्होंने यही कहना क्योंकि जेडे ये फड़े ने क्योंकि दिल्ली पुलिस ने पहला फड़ ले, पुलिस वालों अपने आप ही 302 का मुकदमा दर्ज करके दोषी फड़े जा रहे हैं, छड़े जा रहे हैं। जेडे ये फड़े ने इन्हों पिछे असली कौन है, इन्हों कौन छड़ा रहा, जेडे लोग पुलिस वालों फड़े भी गया पर कुछ छड़िया भी गया, उन्होंने परिवार का यही दोष है भी जेडे वो छड़े जा रहे हैं, किस भाव छड़े जा रहे हैं, उन्होंने पिछे कि राजनीतिक हथ है, कौन हैगा, ये सारा स्पष्ट किया जाए। क्योंकि गुरलाल का किसी ना कोई भी रौला नहीं था, वो अक्सर ही साथ गलबात करते रहते सन भी एक सानू पुलिस ये दसे भी की कारण है भी जिसे कारण करके गुरलाल का कतल होया। सो जगतार खिला सवाल है, लॉरेंस बिश्नोई ने बकायदा पोस्ट पा के जिम्मेवारी ली सी, हालांकि उस तो बाद दुंबिया ग्रुप ने कह दिता सी कि इस गुरलाल पलवान का साढ़े नाल कोई मसला नहीं है, इस करके बेवजह बेकसूर नू मारिया है। सो कह सकते हैं कि जिवें गुरलाल के पिता ने इल्जाम लगाए ने, सो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं साढ़े सिस्टम नू लैके। बिल्कुल जी यही गल अभी की, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई वालों की पुष्टि की गई थी कि अभी इन्हों मारिया है। उस तो बाद दविंदर भविहा ग्रुप वालों भी पाया गया कि इन्हों गुरलाल भुल्लर है नजायज मार गया, क्योंकि गुरलाल बराड़ को असी मारा उस जिम्मेवारी अभी देने हैं। यही इन्होंने पिता ने कहा भी क्योंकि गुरलाल बराड़ जी की गल कर रहे हैं, वो गुरलाल भुल्लर कदे मिले ही नहीं, वो एक दूजे जानते तक नहीं गए, तो इन्होंने कतल का जोड़ा इल्जाम वो गलत उत्ते लाया जा रहा। उन्होंने यही कहना वार बार कि पुलिस जी है ढिली कार्रवाई कर रही है, कोई कार्रवाई सख्त नहीं कर रही, जो है मेन बंदे ने उन्होंने सामने लिया रही, जेकर वो पुलिस जल्दी कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो वो आपके सुसाइड कर रहे, उन्होंने पल्ले फिर सुसाइड है। इस इन्ना वड्डा उन्होंने कह सकते बयान दे दिता। ठीक है जगतार, फिलहाल शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद है जानकारी के लिए। तो वड्डी खबर, कतल नूं साजिश करा दिता गया, उन्होंने कहना कि जदों मेरे पुत्र का किसी के नाल कोई मसला ही नहीं है तो फिर क्यों बेवजह जड़ा है वह मारिया गया है और पुलिस इस ढिली कार्रवाई कर रही है, ढिली कार्रवाई की जा रही है साफ तौर पर उन्होंने कहा।